सबसे पहले मैं आप लोग को N160 का साउंड सुनाता हूँ। ये इसका आइडल साउंड है। ऐसा साउंड आप लोग को सुनने को मिलेगा। इसका साउंड जो है काफी अच्छा, काफी बेसी है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बड़ा सा थैंक यू बोलना चाहूंगा भाले ऑटो केयर को, जिन्होंने ये बाइक मुझे प्रोवाइड की है रिव्यू के लिए। अगर आप लोग को बजाज का कोई भी बाइक परचेस करना है तो आप डेफिनेटली इनके शोरूम में विजिट कर सकते हैं। यहाँ आप लोग को बजाज की सारी बाइक्स देखने को मिल जाएंगी और बहुत बेहतर डील भी देखने को मिल जाएंगे। मैं इनका कंप्लीट एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ विद फोन नंबर। तो अगर आप शोरूम नहीं आ पा रहे हैं किसी कारण से, तो आप इन्हें कॉल करके भी किसी भी बाइक की जानकारी ले सकते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए एक ब्रांड न्यू बाइक लेकर आया हूं। ये है बजाज पल्सर N160। आज इस बाइक का मैं डिटेल रिव्यू करने वाला हूं, सारी चीजें आप लोग को डिटेल में बताऊंगा। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके लुक से, इसके डिजाइन से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस बाइक में आप लोग को काफी अच्छा लुक, काफी अच्छा डिजाइन देखने को मिल जाता है। ये जो बाइक है 160 सीसी की बाइक है, लेकिन ये बिग बाइक लुक आप लोग को प्रोवाइड करती है। और बजाज ने काफी अच्छा काम किया है, यहाँ पे आप लोग को एकदम स्पोर्टी लुक देखने को मिल जाएगा। ये कंप्लीट ब्लैक कलर में है और देखने में बहुत ही ज्यादा स्पोर्टी लगती है। फ्रंट से जब आप इस बाइक को देखेंगे तो काफी अच्छा आप लोग को लुक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, स्पोर्टी लुक के साथ आती है। यहाँ पे जो पायलट लैंप आपको दिया गया है ये LED है, हेडलैम्प भी आप लोग को LED सेटअप के साथ मिल जाता है। मैं आप लोग को ऑन करके दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं काफी अच्छा आप लोग को लुक देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडलाइट भी यहाँ पे प्रोजेक्टर है, LED के साथ आता है। इसका लुक भी आप लोग को काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे जो मडगार्ड आप लोग को मिलता है ये डुअल फिनिश में है, ये ग्लॉसी फिनिश में है, ये मैट फिनिश में है। देखने में काफी अच्छा लग रहा है, स्पोर्टी लग रहा है। नीचे यहाँ पे ABS डुअल चैनल की ब्रांडिंग है, क्योंकि इस बाइक में आप लोग को डुअल चैनल ABS का सपोर्ट मिल जाता है। जो टायर साइज है वो 17 इंच है और जो टायर है वो 100 सेक्शन का है। जैसा कि आप फ्रंट से देख पाएंगे काफी मोटा आप लोग को टायर मिल जाता है, ग्रिप काफी अच्छी है। यहाँ पे आप लोग को काफी बड़ा डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल ये गाड़ी जो है फ्रंट से लोडेड दिखती है। साइड में यहाँ पे आप लोग को 160 सीसी का एक ऑयल कूल्ड इंजन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे इंजन काउल दिया गया है, अगेन ये भी ग्लॉसी और मैट डुअल फिनिश में है, देखने में काफी अच्छा लग रहा है। पीछे की तरफ यहाँ पे आप लोग को एक काफी बड़ा सा टायर मिल जाता है, जो कि 130 सेक्शन का है और ये भी 17 इंच का ही टायर है। यहाँ पे भी अगेन आप लोग को डिस्क ब्रेक मिल जाता है, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, मैं आगे आप लोग को वीडियो में बताऊंगा। टायर हगर मिल जाता है। यहाँ पे जो टेल लैंप आप लोग को मिल जाता है ये भी कंप्लीट LED है, लेकिन जो टर्न इंडिकेटर है यहाँ पे हेलोजन दिया गया है। बैक से भी काफी अच्छा आप लोग को लुक देखने को मिल जाएगा। फ्रंट की तरफ आते हैं, यहाँ पे आप लोग को काफी अच्छा मीटर देखने को मिल जाता है। जो लुक है, जो डिजाइन है काफी अच्छा है। पर्सनली मुझे जो यहाँ पे आप देखेंगे एनालॉग प्लस डिजिटल वाला मीटर है ये काफी अच्छा लगता है, मेरी ये पर्सनली चॉइस है। आप क्या चाहते हैं या आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट में बता सकते हैं। USB चार्जर सॉकेट यहाँ पे आप लोग को मिल जाता है, ऑन द गो आप अपने फोन को चार्ज कर पाएंगे। और ये लेटेस्ट मॉडल है तो यहाँ पे आप लोग को E20 का भी सपोर्ट मिल जाता है। ये कंप्लीट आप देखेंगे ब्लैक कलर में है और यहाँ पे आप लोग को मैट फिनिश देखने को मिल जाएगी ग्रे कलर में, देखने में काफी स्पोर्टी लग रहा है। ये जो टैंक है ये 14 लीटर का है, तो काफी बड़ा आप लोग को यहाँ पे फ्यूल टैंक देखने को मिल जाएगा। पल्सर की आप बेजिंग देख सकते हैं, काफी अच्छा लग रहा है ये देखने में, बहुत ही प्रीमियम टच के साथ आती है। उसके साथ साथ इसका जो हैंडल बार है ये भी कंप्लीट ब्लैक कलर में है और ये जो बाइक है फुल्ली लोडेड आप लोग को देखने को मिल जाएगी। जो स्विच गियर की क्वालिटी है काफी अच्छी है, आप क्लिक साउंड सुन सकते हैं, काफी अच्छा यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा इसका जो क्वालिटी है वो। ये बैक लाइट को भी सपोर्ट करता है, तो बैक लाइट भी इसका काफी अच्छा लगता है। एक बार मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, तो इसका जो बैक लाइट है ये देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और पर्सनली पल्सर का ये जो बैक लाइट सिस्टम है ये मुझे काफी अच्छा लगता है, जो की के ये जो लाइट है ये काफी अच्छे लगते हैं। जो सीट है ये स्प्लिट सीट आप लोग को देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे पल्सर लिखा हुआ है। सीट की जो कुशनिंग है ये भी अच्छी है, चौड़ाई भी काफी अच्छी है, ये कितना कंफर्टेबल है मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। ग्रैब हैंडल भी आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग को, ये देखिए स्प्लिट मिल जाता है। और ओवरऑल ये जो बाइक है लुक वाइज बहुत अच्छी आप लोग को देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे लुक वाइज आप लोग को कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है।
अब मैं आप लोग को इस बाइक के इंजन के बारे में बताना चाहूंगा। इस बाइक में आप लोग को एक 160 सीसी का ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है जो कि 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है। मैं बात करूं इसके इंजन की तो ये बहुत ज्यादा स्मूथ है, रिफाइंड है, बजाज की तरफ से काफी अच्छा ये इंजन प्रोवाइड किया गया है इस बाइक में। इसकी अगर मैं पावर की बात करूं तो यहाँ पे आप लोग को 16 PS की मैक्स पावर मिल जाती है 8750 RPM पर, और अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो यहाँ पे आप लोग को 14.65 Nm का टॉर्क मिल जाता है 6750 RPM पर। ये जो इंजन है काफी टॉर्की है, काफी अच्छा है। आपके मन में भले ही आ रहा होगा कि यहाँ पे सिर्फ आप लोग को 5 गियर क्यों दिया गया है, यहाँ पे 6 गियर क्यों नहीं है, तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि बजाज का ही एक और पल्सर आती है NS160, उसमें आप लोग को 6 गियर मिलते हैं, लेकिन इसमें N160 में आपको 5 ही गियर दिए गए हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, इसका जो गियर बॉक्स है काफी स्मूथ है, काफी रिस्पॉन्सिव है। जब आप इस गाड़ी को लेकर हाईवे में भी जाएंगे, हाई स्पीड करेंगे, तो भी इसका जो इंजन है, गियर बॉक्स है, आपको निराश नहीं करेगा, आप अच्छी राइड ले सकते हैं। अगर इस बाइक को लेकर आप सिटी ट्रैफिक में चले जाता है, बहुत बम्फर टू बम्फर ट्रैफिक है, तो भी ये जो इंजन है काफी अच्छा रिस्पांस करता है। अगर आप इसका टॉर्क की बात करें तो इनिशियली आपको ये अच्छा टॉर्क निकाल कर देना स्टार्ट कर देता है, तो आपको इसे चलाने में, इसे राइड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका जो इंजन है, इसका जो गियर बॉक्स है, बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही रिफाइंड है। आपको इस बाइक को चलाने में बहुत मजा आएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं आप लोग को इस बाइक के कंफर्ट के बारे में बताना चाहूंगा। तो ये जो बाइक है काफी कंफर्टेबल है, अगर आप इसे हाईवे पे लेके जाते हैं या सिटी पे ट्रैफिक में चलाएंगे तो भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, काफी अच्छा ये हैंडल होता है। यहाँ पे जो आपको सीट दिया गया है ये स्प्लिट सीट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं राइडर के लिए अलग, पिलियन के लिए अलग सीट मिलता है, और ये दोनों की जो चौड़ाई आप देख पा रहे होंगे अच्छी चौड़ाई आप लोग को मिल जाती है। सेम टाइम पे कुशन जो है वो भी काफी अच्छा है। तो अगर आप इस बाइक को लेकर थोड़ा लॉन्ग राइड पे जाना चाहेंगे, इस बाइक को थोड़ा ज्यादा किलोमीटर में चलाना चाहेंगे, तो आप डेफिनेटली चला सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, काफी अच्छा आप लोग को कंफर्ट देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसके सैडल हाइट की बात करूं तो वो 795 mm का है, तो आप देख सकते हैं इसमें बैठना काफी आसान है। मेरी जो हाइट है वो 511 है, अगर मेरे हाइट से कोई कम हाइट का भी बंदा है तो भी आराम से इसमें बैठ पाएगा। हैंडल बार की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव सेट नहीं किया गया है, हल्का सा अग्रेसिव सेट किया गया है। मैं बहुत हल्का सा यहाँ पे लीन हो रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मुझे ऐसे झुक के इस बाइक को चलाना पड़ रहा है, आप देख पा रहे होंगे काफी एक कंफर्टेबल साइड पे है। तो अगर मैं इसकी हैंडलिंग की बात करूं तो काफी अच्छी हैंडलिंग मुझे यहाँ पे मिल जाती है, हाईवे में भी काफी अच्छी हैंडलिंग हो जाती है, सिटी ट्रैफिक में भी मुझे इसे चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, और ये काफी अच्छा हैंडल बार है। तो इसे मुझे फ्लिक करने में, इस बाइक को अगर मैं फ्लिक करता हूँ, थोड़ा सा जिगजैग करता हूँ, तो मुझे कॉन्फिडेंस आता है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि गाड़ी मेरे से कंट्रोल से बाहर हो जाएगी या गाड़ी मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, काफी अच्छे से कंट्रोल हो जाती है। तो हैंडलिंग भी इस बाइक की काफी अच्छी है। यहाँ पे जो फुट रेस्ट मिलता है ये भी काफी अच्छी जगह पे पोजीशन किया गया है, मुझे बहुत ज्यादा अपने पैर को पीछे करने की जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं इसे कंफर्ट की बात करूँ तो काफी कंफर्टेबल ये बाइक है, आप आराम से इसे लंबा चला पाएंगे। कंफर्टेबल इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे जो सस्पेंशन मिलता है वो भी काफी अच्छा है। फ्रंट में जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है ये 37 mm का सस्पेंशन है, और बैक में जो आप लोग को सस्पेंशन मिलता है वो एक मोनो सस्पेंशन है। दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा है, हालांकि इसका जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा स्टिफ है, थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन सेम टाइम पे ये बहुत ज्यादा स्टेबल लगेगा आपको जब आप इसमें हाई स्पीड करेंगे। अगर आप इसे थोड़ा सा खराब रास्ते में ले जाते हैं तो ये आपको हल्का सा ही झटका महसूस कराएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है, ये आपको टॉस करने लग जाता है, आपको उछालने लग जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसे खराब रास्ते में भी चलाते हैं तो काफी अच्छा आप लोग को सस्पेंशन मिल जाएगा, एक कुशनी राइड आप लोग को प्रोवाइड कर देता है, और सेम टाइम पे ये स्टेबल भी रहता है। सस्पेंशन अच्छा होने के कारण हाई स्पीड में भी मुझे यहाँ पे कॉन्फिडेंस आता है, जिगजैग अगर मैं इस बाइक को करता हूँ तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये काफी स्टेबल रहता है। और अगर मैं इसके ब्रेकिंग की बात करूं तो वो भी काफी अच्छा है, यहाँ पे आप लोग को डुअल चैनल ABS का सपोर्ट मिल जाता है। जो फ्रंट डिस्क ब्रेक है यहाँ पे आप लोग को 300 mm का मिलता है, आप देख सकते हैं काफी बड़ा आप लोग को डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा। इसकी जो स्टॉपिंग पावर है वो बहुत ही प्यारी है, और बैक में आप लोग को जो यहाँ पे सेटअप दिया गया है डिस्क ब्रेक का, यहाँ पे ये 230 mm का है, और यहाँ पे भी सेम आप लोग को ABS मिल जाता है क्योंकि इस बाइक में आप लोग को डुअल चैनल ABS का सपोर्ट दिया गया है। यहाँ पे सेफ्टी को लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं की गई है। इसके ब्रेकिंग की अगर मैं बात करूं तो मैं आप लोग को ये वीडियो क्लिप दिखाना चाहूंगा, जैसा कि आप देख सकते हैं अगर मैं इसे अच्छे खासे स्पीड में भी ब्रेक करता हूं तो ये जो बाइक है बिल्कुल भी स्किड नहीं होती है, ये रास्ता को छोड़ती नहीं है, मतलब रोड को, लेन को छोड़ती नहीं है, बिल्कुल एक जगह पे स्टॉप होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी जो स्टॉपिंग पावर है बहुत अच्छी है, तो इसमें आप लोग को ब्रेकिंग में भी कोई भी दिक्कत नहीं होता। यहाँ पे आप लोग को अंडर बेली एग्जॉस्ट दिया गया है, मैं आप लोग को एक बार दिखाना चाहूंगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग को अंडर बेली एग्जॉस्ट दिया गया है, कोई भी एग्जॉस्ट यहाँ से बाहर निकला हुआ नहीं है, तो इस बाइक को बहुत ही स्पोर्टी बनाता है।
यहाँ पे अंडरबेली एग्जॉस्ट होने के बावजूद इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी काफी अच्छा है। यहाँ पे आप लोग को 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। तो ये जो बाइक है, अगर आप इसे खराब रास्ते में ले जाते हैं, कोई पॉट होल आ जाता है, तो भी कहीं भी नीचे में टच नहीं होती है, आराम से ये निकल जाती है और बहुत अच्छी राइड क्वालिटी आप लोग को प्रोवाइड करती है। तो अगर मैं कंफर्ट की बात करूं तो कहीं से कहीं तक आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो बाइक है बहुत कंफर्टेबल है और काफी अच्छी बाइक आप लोग को मिल जाती है N160 के हिसाब से। N160 के माइलेज के बारे में मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। इस बाइक की जो माइलेज है ये आप लोग को 40 से 45 kmpl के बीच में मिल जाएगी और वो टोटली डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे राइड करते हैं, कहाँ राइड करते हैं। अगर आप इस बाइक को हाईवे में चलाते हैं और 50-60 की स्पीड जो है मेंटेन करके रखते हैं तो ये आपको आराम से 45 या हो सकता है 45 से ज़्यादा कभी माइलेज निकल कर दे दे। अगर आप इसे सिटी में चलाते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बार बार आपको गियर चेंज करना पड़ रहा है, तो हो सकता है कि आप लोग को 40 से कम का भी माइलेज मिले, या फिर हो सकता है कि आप इसे बहुत रफ चला रहे हैं, बहुत स्पीड से चला रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको 40 से कम का माइलेज मिले। लेकिन अगर आप इसे अच्छे से राइड करते हैं, मिक्स राइड भी करते हैं, तो भी आपको ये 40 से 45 के बीच में माइलेज निकल कर दे देगी, जो कि 160 सीसी के हिसाब से एक काफी अच्छा नंबर है। तो माइलेज में आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसे कर्व वेट की बात अगर मैं करूं तो यहां पे आप लोगों को 154 केजी का ये बाइक देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा हेवी है, बहुत ज्यादा हेवी नहीं है, थोड़ा सा हेवी है, लेकिन ट्रस्ट मी, जब आप इस बाइक को राइड करेंगे तो इसकी हैंडलिंग बहुत अच्छी है, इसका पावर बहुत अच्छा है, आपको इसका वेट बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा, आपको इसका वेट पता भी नहीं चलेगा। इसकी अगर मैं प्राइस की बात करूं, आप लोग को इसका प्राइस भी बता देता हूं, तो अगर आप मेरे लोकेशन से हैं, मेरे आसपास से हैं, तो ये जो बाइक है आप लोग को ऑन रोड 1,57,000 यानी कि 1,57,000 रुपए में मिल जाएगी। मैं ऑन रोड प्राइस की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप अलग स्टेट से हैं, अलग सिटी से हैं, तो हो सकता है इसका प्राइस चेंज हो, क्योंकि टैक्स जो है वो अलग हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आप लोग को 1,57,000 के आसपास ही ये बाइक देखने को मिल जाएगी। मेरा सिंपल सा कहना यह है कि अगर आप 160 सीसी की बाइक ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग को पल्सर N160 की तरफ एक बार जरूर देखना चाहिए, इसका टेस्ट ड्राइव जरूर लेना चाहिए। ये काफी अच्छी बाइक लगी मुझे इस प्राइस में। और अगर आप लोग को बजाज का कोई भी बाइक परचेस करना है या देखना है या कोई भी क्वेश्चन है, तो आप भाले ऑटो केयर पे जाके पूछ सकते हैं। उनका जो कंप्लीट एड्रेस है वो मैं आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। अगर आप फोन करके भी कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं किसी बाइक के बारे में, प्राइस के बारे में, तो उनका फोन नंबर भी मैं आप लोग को अवेलेबल करा दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप डायरेक्ट कॉल करके भी सारी चीजें पूछ सकते हैं। मैं फिर से एक बार थैंक यू बोलना चाहूंगा भाले ऑटो केयर को, जिन्होंने ये बाइक मुझे प्रोवाइड की रिव्यू के लिए, इसलिए ये कंप्लीट रिव्यू मैं आप लोग के लिए लेकर आ पाया हूं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोग को ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, आप लोग को ये बाइक अच्छी लगी होगी। कोई भी क्वेश्चन है इस बाइक से रिलेटेड तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आंसर जरूर करूंगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोग के लिए नए नए वीडियोस लेकर आते रहता हूं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।